कर्नाटक के युवाओं ने हमें दो तीन मैसेज दिए और मैं आज स्टेज से वो मैसेज दोहराना चाहता हूं। सबसे पहले युवाओं ने कहा कि इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, चाहे कोई भी डिग्री ले लो, किसी भी कॉलेज में पढ़ के निकल लो, कर्नाटक की सरकार कर्नाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। यह पहला मैसेज था और यह सिर्फ एक युवा ने नहीं कहा, यह कर्नाटक के लाखों युवाओं ने हर रोज मैसेज दिया। दूसरा मैसेज सिर्फ युवाओं ने नहीं, सब लोगों ने कहा कि कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉरपोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब की रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है। सबसे भ्रष्ट सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक की सरकार है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हजारों युवाओं ने कर्नाटक की सड़कों पे भारत जोड़ो के समय, भारत जोड़ो यात्रा के समय मुझे बताया है। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को, दो तीन लोगों को होता है। दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में मैंने अदानी जी के बारे में भाषण दिया कि हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनेस, सारी की सारी इंडस्ट्रीज। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत।